नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल लई भारी। दोस्तों आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों NFT को लेके बहुत सारा संभ्रम है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों देखिए, कल का जो पे आउट था ये डेमो था, जस्ट सिस्टम को चेक किया जा रहा है, आपका पेमेंट आज शाम में आने वाला है। ये तो क्लियर हो गया है, जिनको पेमेंट आया है उनकी NFT भी वैलिड है, ये भी चीज़ कंफर्म हो गए हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो NFT होल्डर्स हैं उनका NFT 3% बता रहा है, रेपुटेशन 3% बता रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों का रेपुटेशन 100% नहीं बता रहा है, 3% बता रहा है, उन्होंने कुछ जुगाड़ किया है, कुछ यहाँ से NFT ली है, कुछ उधर से लिया है और उसको बनाया है। दोस्तों ये फ्रॉड है, लाडो सर ने पहले भी वही कहा था, जो जिन्होंने मेहनत की है उनको फल मिलना ही चाहिए, और जिन्होंने अगर स्कैम किया है तो उनके साथ वो उसी तरीके से बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका NFT है, आपको डेमो अगर पे आउट आया है तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन आपके NFT के ऊपर कुछ पे आउट नहीं आया है तो आपको ज़रूर सोचने की आवश्यकता है कहाँ पर गलती हुई है। तो दोस्तों एक ध्यान रखना है, NFT को बेचने में गड़बड़ नहीं करना है। लाडो सर ने ये क्लियर कर दिया है कि NFT की जो कीमत है लगभग एक एनर्जी का कीमत एक डाई है, यानी एक्टिवेटर का कीमत लगभग $3,500 है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। देखिए होता क्या है, बिटकॉइन जब आया कुछ पैसों में आया, कुछ उन्होंने पिज्जा खा लिया, कि उन्होंने 1,000 में बेचा, कि उन्होंने 10,000 में बेचा, कि उन्होंने 5,00,000 में बेचा। लेकिन आप समझ सकते हैं आज बिटकॉइन की प्राइस 25,00,000 है। उसी तरीके से NFT जब आई थी तो $5 में थी, लेकिन आज NFT का प्राइस लगभग $200 के आसपास है, $250 के आसपास है, $300 के आसपास है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग आज भी $100, $200, $500 में उसको बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में NFT का जो प्राइस है, NFT मिलना काफ़ी हार्ड होते जाएगा दिन ब दिन। जिस तरीके से हमें पहले SFC मिल रहा था लेकिन उसके बाद में SFC बंद हो गया, तो उसी तरीके से NFT रॉयल्टी लेना भी हार्ड हो जाएगा। ये भी लाडो सर ने क्लियर किया है। और NFT बेचने की गलती मत करिए, नहीं तो आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगा। दोस्तों किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए, एक, पहले आपको NFT के ऊपर डेमो पेमेंट आया है तो वो आपकी NFT वैलिड हो चुकी है, उसको आप ना ही बेचें तो बेटर है। जिन लोगों के पास नहीं है, दोस्तों नहीं है तो आपको कितना एनर्जी कम है उतने आप क्वाइन सेट बाय करके एनर्जी ले सकते हैं। आप अगर स्लॉट अपडेट करते हैं तो उस पर आपको TR मिलता है। तो कोशिश करें काम करके आपकी एनर्जी बढ़ाए, तो कोशिश करना है काम करके NFT की एनर्जी बढ़ाना है। अगर आप मार्केट से लेते हैं, मार्केट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, जो लोगों का NFT 3% बता रहा है वो लोग बेचने के लिए रखे हैं। अगर आप वो बाय कर लेते हैं तो भी आपको NFT रॉयल्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो NFT ही फ्रॉड वाला है, वो वैलिड नहीं होगा, वो 3% रेपुटेशन ही बताएगा। तो मार्केट से लेने के चक्कर में भी आपको नहीं जाना है। कई लोगों का 5-6 ही स्लॉट है और उन्होंने एक्टिवेटर भी ले लिया और सुपरवाइजर भी ले लिया, कैसे मिलेगा NFT रॉयल्टी दोस्तों, आप बताइए। जब उनके पास उतना SFC ही नहीं है, उतना एनर्जी टोकन ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे मिलेगा। हाँ चलिए, हम मानते हैं आपके 10 स्लॉट है, आपके पास 3 TR है, आपकी जो एनर्जी है उसका कुल मिला के 10-11 हज़ार SFC बन रहा है, और एनर्जी आपको 3-3.5 हज़ार मिला है, तो एक सुपरवाइजर एक एक्टिवेटर आपका बन सकता है। लेकिन जब आपके ID के ऊपर उतना वॉल्यूम ही नहीं है और आप बोल रहे कि मेरे पास एक्टिवेटर भी है सुपरवाइजर भी है, कैसे आपको NFT रॉयल्टी मिलेगी दोस्तों। चलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप मार्केट से भी बाय कर रहे हैं तो दोस्तों अलर्ट हो जाइए। अगर वो 3% वाली NFT अगर आती है तो वहाँ से भी कुछ बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। तो इससे बेटर तरीका एक ही है कि आप काम करके एनर्जी बढ़ाएं और एनर्जी से ही अपना NFT रॉयल्टी को पंप करें। लगभग 20 दिन का समय हमारे पास है। NFT 5 टप्पों में आने वाला है, 5 डिवाइडेशन में आने वाला है। फिर से एक बार कहूँगा, NFT को बेचना नहीं है। अगर NFT को बेच देंगे तो आप पैसिव इनकम खो सकते हैं। चलिए हम चलते हैं NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिवेटर है $100 100 मैटिक में ही बेच रहे लोग, क्या कारण है।
दोस्तों ये जो एक्टिवेटर है ये 3% वाला है, ये झोलझाल करके बनाया गया है, इसके कारण इतने कम में उसको बेच रहे हैं फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, सबको एक सटीक जानकारी मिले और आप फ्रॉड से बचें। चलिए मैं एक्टिवेटर को ओपन कर लेता हूँ। एक्टिवेटर का 100 मैटिक का रेट यहाँ पे चल रहा है। अभी देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये स्क्रीन भी आपको दिखेगा। 100 मैटिक का फ्लोर प्राइस चल रहा है। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन सी के ऊपर हम आ गए हैं और आप सामने देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार यहाँ पे राइट करके आपको बता देता हूँ। फ्लोर प्राइस केवल 100 मैटिक बता रहा है, यहाँ पे एनएफटी का प्राइस 100 है, दूसरे एनएफटी का प्राइस 179 मैटिक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए दोनों को ओपन करके मैं बता देता हूँ। पहला $100 वाला हम 100 मैटिक वाला हम ओपन कर लेंगे। इसको अगर ओपन करते हैं, इसमें अगर हम एनर्जी देखेंगे, कहाँ देखते हैं एनर्जी, देखिए नीचे जहाँ ऑफर का टैग है उसको अगर हम क्लिक करते हैं, नीचे लेवल है, लेवल के नीचे बूस्ट है, बूस्ट को जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेटिंग 3%। तो ये 3% रेटिंग वाली जो एनएफटी, इनको रॉयल्टी नहीं मिलेगा, फिलहाल उनको होल्ड के ऊपर रखा गया है और उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एनएफटी है और ये फ्रॉड करके बनाई गई है। तो चलिए एक मैं आपको अभी दूसरी वाली जिसका 180 मैटिक का प्राइस है उसको ओपन करके बताता हूँ, ताकि दोनों में डिफरेंस क्या है आपको यह समझ में आएगा। अभी फिर से हम इसको चेक करेंगे। फिर से बूस्ट में जाएंगे, देखिए ये भी 3% बता रहा है। 3% अगर बता रहा है तो एनएफटी रॉयल्टी आपको उस पर नहीं मिल सकती। 3% यानी आपका रेपुटेशन ही 3% हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है। चलिए एक मेरी वाली जस्ट एनएफटी सॉरी एक्टिवेटर मैं आपको ओपन करके बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आएगा 100% कहाँ बताता है, कैसे बताता है। नेट थोड़ा धीमा चल रहा है, उसके कारण थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट ये सेशन है। यहाँ पे तो बहुत सारी एनएफटी वो 3% ही बता रही है। लास्ट एक हम ओपन करके देखते हैं। कुल मिला के जो फ्रॉड किए हैं वो अभी एनएफटी को बेचने के लिए रखे हैं, और जो ओरिजिनल एनएफटी है उसका रेट काफी बढ़ चुका है। अभी ये 100 मैटिक में जो बेच रहे हैं ये प्रॉपर 100% इसमें नहीं है, इसमें रेटिंग कम इसको दिया गया है, उसके कारण ये लोग बेच रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज को समझना है, जितना सीधा हम समझते हैं उतना सीधा नहीं होता है। बहुत कुछ लोग अपना दिमाग चलाते हैं, आड़ा तेड़ा कुछ काम कर देते हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आपके पास भले एक्टिवेटर है, सुपरवाइज़र है, जो भी है, उसको आप ना बेचें,
आपके पास कुछ एनर्जी टोकन है जस्ट एनएफटी में, तो आप कोशिश करें वर्क करके उसको आप आगे, उसको हो सकता है एक्टिवेटर बनाए या सुपरवाइजर बनाए, लेकिन मार्केट से लेने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अभी जितना एनएफटी मैपिंग हो गया है, हो सकता है आप मार्केट से ले भी ले, लेकिन उसमें अगर रेपुटेशन नहीं है, कई बार लोगों ने जस्ट एनएफटी लिया लेकिन उसमें जितना एनर्जी बता रहा था उतना एनर्जी नहीं मिला, तो बहुत सारी दिक्कत ओपनसी पे हो रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही मेटाफोर्स का ही मार्केट प्लेस ओपन होने वाला है, जिसमें ऐसी संभावना नहीं होगी हमारे साथ फ्रॉड की। ओपनसी पर ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, कई सारे मेरे बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ में भी ये दिक्कत हुई है। तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें और स्टडी करें एनएफटी का। दोस्तों देखिए, मार्केट में एनएफटी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा एनएफटी नहीं है, हमारा एनएफटी रॉयल्टी है। ये एनएफटी के ऊपर हमें रॉयल्टी मिलने वाला है, ये मिस्टर लाडो सर ने फर्स्ट टाइम एनएफटी रॉयल्टी दिया है हमें। बहुत सारे एनएफटी हम लेके रखते हैं, उसको उसके ऊपर कोई मिलता नहीं है हमें, उसके ऊपर रॉयल्टी नहीं मिलती, लेकिन ये एनएफटी पे हमें रॉयल्टी मिलने वाली है और मिल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं है। जो लोग एनएफटी रॉयल्टी को कैपेबल हो गए हैं उनके पास जो भी कार्ड है, और जो नहीं हुए हैं उनको भी उनका हौसला रखना है, काम करके वो हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। दोस्तों रॉयल्टी ऐसे ही नहीं मिलती, एक समय तक लगातार मेहनत करने के बाद में वो रॉयल्टी हासिल हुई है, लोगों को फ्री में मिली है, आज उसके कहीं के कहीं रेट गए हैं, लेकिन उस वक्त तक वो हमें काम करना पड़ेगा। बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे जाता है, लेकिन कब जाता है, जब आप लगातार मेहनत 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 करते हैं, फिर एक समय पर वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। जैसे कि ट्रेन है, शुरू में बहुत सारा आवाज़ होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, लेकिन एक बार रनिंग में आती है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं होता है, उसी तरीके से हमारा बिजनेस है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, जय मेटाफोर्स।